फिर से आंदोलन की तैयारी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसानों की ओर से इस समय की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से आंदोलन की हुंकार भरी है। एमएसपी पर गारंटी की मांग समेत किसानों पर दर्ज केस को खत्म करने की मांग की गई है। इसके साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया है कि चुनाव लड़ने वाले किसान नेताओं को संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से हुंकार भरी जा रही है। बड़ा ऐलान किया गया है, फिर से मोर्चा खोलने की बात संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कही गई है। एमएसपी को लेकर और साथ ही साथ किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने को लेकर मांग है जो सरकार से उठाई जा रही है। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि जिन किसान नेताओं ने कि इस बार चुनाव लड़ा है उन किसान नेताओं को एसकेएम से संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर किया जाएगा। किसानों का मामला बहुत बड़ा है, ये तोड़ने का तो हमारा कोई मंतव्य नहीं है, लेकिन उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे, हमारी एमएसपी की लड़ाई भी लड़ेंगे, हमारे जो लखीमपुर के किसानों को जो उनके बेइंसाफी हुई उनके साथ उनको इंसाफ दिलवाने के लिए भी लड़ेंगे, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए लड़ेंगे, किसानों की कर्ज मुक्ति की लड़ाई भी लड़ेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे हम। मोदी जी ने जब तीन काले कानून को रद्द किया तो पंजाब के वो लोग, वो साथी जिनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा का भूत चढ़ा हुआ था, वो बगैर एमएसपी की लड़ाई अधूरी छोड़कर और अपनी अपनी ट्रालियां लेकर पंजाब की ओर रवाना होने लगे, तब हमने अपनी लाज बचाने के लिए कि संदेश ये ना जाए कि एसकेएम खंडित हो गया है, एसकेएम विभाजित हो गया है, हमको ये निर्णय लेना पड़ा कि ठीक है, हम आंदोलन स्थगित करते हैं। एसकेएम की वो लड़ाई, दल्लेवाल जी पंजाब के सभी साथियों का हाथ पैर जोड़ते रहे, प्रार्थना करते रहे बड़ी विनम्रता के साथ कि देश की सबसे बड़ी मांग एमएसपी की है और एमएसपी अधूरी है, सरकार जो भी लिख के देगी उसका कब पालन होगा कब नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। अगर ये चुनाव लड़ने वाले लोग 7 दिन या 10 दिन रुक जाते तो आज एमएसपी का मामला हल हो गया होता। एक तरफ हम एमएसपी को लेकर एक बड़ा आंदोलन करके उस पर गारंटी लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमारे उन भाइयों ने पूरे किसान आंदोलन में शामिल किसानों की को बेवकूफ़ बनाकर उनके साथ साजिश करते हुए खुद ही अपनी तरफ से कमेटी बनाने की जो है वो सरकार को सहमति दे दी थी। दूसरी बात, एसकेएम किसानों के मुद्दों को सरकार से संघर्ष करके हल करवाने के लिए विभिन्न किसान संगठनों का एक समूह है, ना कि कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेंटर। ऐसा नहीं है कि कोई भी एसकेएम में आए, भाषण देना सीख ले, फिर इलेक्शन में चला जाए, जीत जाए तो मंत्री बन जाए, हार जाए तो फिर एसकेएम ज्वाइन कर ले। तो अब आगे से ऐसा नहीं होगा।